हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और अभी मैं किचन में हूँ क्योंकि अभी मुझे सब्जी बनाना है। तो मैं सोची चलो सब्जी काट देती हूँ, तो फिर काटने लगी, फिर उसके बाद देखी बाबू परेशान करने लगा, तो फिर मम्मी बाबू को संभाल रही थी तब तक मैंने सब्जी भी छौंक दिया। और आज भिंडी की सब्जी और भिंडी का भाजी बनाऊंगी और लौकी का भाजी। और वैसे भी मुझे ना ज़्यादा मसाले वाली सब्जी नहीं खाना, ज़्यादा ऑयल वाला भी सब्जी नहीं खाना है, तो इसके लिए ना एकदम कम तेल डाल के सब्जी बना रहे हैं आजकल। और ज़्यादातर ना तुरई, लौकी ये सब का ही सब्जी मैं खा रही हूँ और दाल लेती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और ये ब्लॉग ना काफ़ी लेट जा रहा है, वैसे ये ब्लॉग ना 28 तारीख का ही है लेकिन वीडियो इतना लेट जा रहा है क्योंकि मैं ना आजकल ब्लॉगिंग कर रही हूँ। वीडियो तो मैं शूट कर लेती हूँ लेकिन एडिट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, इतना ज़्यादा बाबू परेशान कर रहा है ना। अभी उसका मालिश हो रहा है, मम्मी मालिश कर रही थी और मालिश करने के बाद ना उसको ऐसे कपड़े में लपेट दिया और सचिन लेके गया है दृशानी को ट्यूशन छोड़ने। और सचिन जब से आया है ना तब से उसका ही ड्यूटी लग गया, उसको स्कूल छोड़ना, ट्यूशन छोड़ना। अभी मम्मी नहीं जाते, अभी मम्मी ना बाबू को संभालती हैं। और बाबू ना सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे ज़्यादा परेशान करता है, वही मैं सोच रही हूँ मम्मी चली जाएगी ना तो फिर मुझे बहुत दिक्कत होने वाली है हस्बैंड का ड्यूटी लगेगा खाना बनाने का, क्योंकि सुबह सुबह ना वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो अभी पानी भी आ गया था तो मम्मी ना जितना भी उसने पॉटी करके कपड़े को गंदा किया है ना वो सब मम्मी पानी आते वक्त ही साफ करती है, तो मम्मी अभी साफ कर रही है। और सुबह में इतना ज़्यादा भागम भाग होता है ना, इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है ना, सारे के सारे लोग बिजी रहते हैं, किसी का हाथ खाली ही नहीं रहता है। तो अभी यहाँ पर ना मैंने फटाफट से ना दोनों सब्जी बना लिया है, लौकी का और उसके बाद भिंडी का भुजिया बनाया है मैंने। तो अभी हस्बैंड के लिए ना लंच बॉक्स रेडी कर रहे हैं। और ये जो लंच बॉक्स है ना ये हस्बैंड ऑर्डर डाले थे, अमेजोन से मंगाए थे, काफ़ी अच्छा लंच बॉक्स है। तो ये लंच बॉक्स ना मिल्टन का है, इसका लिंक मिलेगा तो मैं दे दूंगी। वैसे हस्बैंड अपने फ़ोन से ऑर्डर डाले थे तो उनके पास से ही लेना पड़ेगा, तो जब लूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगी क्योंकि बहुत अच्छा लंच बॉक्स है। और मैंने ना मशीन में कपड़े भी लगाए हैं तो साथ ही साथ मैं कपड़े भी देख रही थी अभी तक धुला या नहीं धुला, क्योंकि जब भी बेडशीट वगैरह धोना रहता है ना तो मैं गर्म पानी में धोती हूँ तो काफ़ी टाइम लेता है। और अभी यहाँ पर हस्बैंड का लंच बॉक्स तो मैंने रेडी कर दिया, खाना निकाल दिया है और अभी इसको ना ठंडा करेंगे क्योंकि अभी उनको जाने में थोड़ा टाइम है, 10 मिनट बाद निकलेंगे, तब तक ये ठंडा हो जाएगा तो इसको फैन के नीचे छोड़ देंगे। तो एक तो सबसे छोटा है, एकदम पतला है, तो उसमें सब्जी के लिए दिया है, दाल वाला मीडियम साइज का है और जो राइस के लिए दिया है ना वो थोड़ा बड़ा है, तो उसमें मैंने राइस दिया है और दाल और सब्जी एक ही में मतलब दोनों सब्जी मैंने डाल दिया है। और चम्मच भी साइड से मैंने दे दिया और बहुत अच्छा इसका बॉक्स भी है। और इसको ना बैग में आराम से रख सकते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं खाएगा, बहुत पतला सा है और अच्छा है ये लंच बॉक्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो अभी सारा काम पड़ा हुआ है, मम्मी भी अभी नहाएगी अभी बाबू को लेके बैठी हुई है, ये लड़का ना घुमाने के लिए बोल रहा है, बिस्तर पे नहीं रह रहा है। अरे देखिए सचिन आया है, आया हुआ इसको 2 दिन हो गया अंधेरे में, अंधेरा है ना, अभी दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। 2 दिन से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ ना, रात को आया था एकदम, 1:30 बज गया था तो हस्बैंड गए थे लेने के लिए। मम्मी जिस ट्रेन से आई थी ना, मम्मी कितना लेट आई थी, वो ट्रेन हमेशा लेट रहता है, मम्मी को तो कुछ ज़्यादा ही लेट कर दिया था। हाँ 4 बजे आई थी, 4 बजे आई थी, फिर उसके बाद 1.5 घंटा और रुकना पड़ा, फिर उसके बाद हम लोग लोकल ट्रेन पकड़ के आए थे कल्याण बोल रही बदलापुर। और सचिन आया तो इसका भी 1.5 घंटा ट्रेन लेट था, बट मम्मी से तो मम्मी जितना लेट नहीं था, वो मम्मी के टाइम पे तो बापरे बैठे बैठे ना एकदम बोर हो गए थे, 11 बजे कहीं बैठे हुए थे वहाँ पे। अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, तो उससे पहले मैं ब्रश करूँगी, ब्रश करके फिर ब्रेकफास्ट करूँगी। तो अभी मेरा बाबू नहा लिया है, नहा लेता है ना तो बहुत फ्रेश हो जाता है और वो रोता भी नहीं है, तो मम्मी नहला दी है उसको मालिश करने के बाद ना, मतलब 1.5 घंटे बाद उसको नहला दिया जाता है। और मैं अभी ब्रश कर रही हूँ, ब्रश करके फटाफट से मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगी। तो मैं ना अपने लिए 2 अंडे बॉयल किए हैं और 1 गिलास मतलब 1 कप दूध ले रही हूँ, तो कभी कभी तो अंडा मैं खा लेती हूँ मॉर्निंग में, और नहीं तो रोटी सब्जी खा लेती हूँ, जो भी बना रहता है वो मैं खा लेती हूँ। और रोज़ तो अंडा नहीं खा सकते नॉनवेज, क्योंकि अभी तो
तो पितृपक्ष भी चालू हो गया है, तो ये तो पहले का वीडियो है, इसके लिए मैं मतलब आप लोग देख रहे हैं खाते हुए, नहीं तो पितृपक्ष में अभी हम लोग नहीं खाते हैं नॉनवेज। हाँ, फिश खा सकते हैं, बाकी अंडा और वो चिकन मटन ये सब नहीं खाया जाता है। हम लोगों को भी पहले पता नहीं था, तो पिछले साल से ही हम लोग मतलब मान रहे हैं इस चीज़ को, नहीं खाना चाहिए, तो पिछले साल भी हम लोगों ने नहीं खाया था, इस साल भी। हाँ, लेकिन मछली खाया जाता है क्योंकि मछली तो चढ़ाते हैं। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग इस चीज़ को मानते हो या नहीं? सुनते हैं कि पितृपक्ष में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाता है, लेकिन हम लोग खाते हैं और हम लोग को पहले पता नहीं था, तो पिछले साल से ही मान रहे हैं, तो अभी हम लोग नहीं खाते। हाँ, फिश खाते हैं, फिश चढ़ाया जाता है, जो जितिया व्रत होता है ना उसमें फिश चढ़ाया जाता है, तो इसके लिए फिश खा सकते हैं। तो अभी ना पूरा बेडरूम मेरा बिखरा हुआ था और हमेशा बिखरा ही रहता है, कितना भी साफ कर दो फिर से भर जाता है, पूरा एकदम बिखर जाता है। तभी मैंने ना सारे चीज़ों को हटा दिया है, बेड अच्छे से साफ किया है, और अभी बाबू ना अच्छे से सो गया है, तो उसको ना कपड़े में लपेट देते हैं, एकदम जो कपड़े में बांधते हैं ना बच्चों को नहलाने के बाद, तो उसके बाद वो बहुत अच्छे से सोता है, तो उसको भी मैंने बांध दिया है अच्छे से, और अभी उसको सुला देंगे और आराम से 3-4 घंटा सोएगा। कभी कभी बीच में उठ भी जाता है, कभी कभी लगातार वो 3-4 घंटे तक सोता है, और कभी कभी ना वो उठ भी जाता है तो उसको फीड कराना पड़ता है। तो जब तक बाबू सोता नहीं है ना, तब तक मैं भी नहीं सो पाती हूँ, और रात में तो नींद पूरा होता नहीं क्योंकि मुझे बार बार उठना पड़ता है, तो इसके लिए नींद मेरा पूरा ही नहीं होता है, और नींद पूरा ना होने की वजह से ना सर में दर्द रहता है। तो इसके लिए मैं सोचती हूँ ना कि मतलब बाबू जिससे ही सोया ना वैसे ही मैं भी सो जाती हूँ, मम्मी भी बोलती है सब छोड़ दो और चुपचाप सो जाओ और नहाना धोना भी मत करो, अभी आराम से उठना फिर नहाना। तो ऐसे भी मैं गर्म पानी से नहा दूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं दोपहर तक नहा लूँ। तो सो गई थी मैं एकदम 2-3 घंटा आराम से सोई, उसके बाद मैं उठी तो मम्मी गर्म गर्म बनाई थी मड़ुआ की रोटी और ये सुबह का सब्जी लौकी का। तो सब्जी मैं एकदम थोड़ा सा लेती हूँ, आजकल ज़्यादा सब्जी नहीं खाती हूँ, ज़्यादा खाती हूँ ना तो फिर प्रॉब्लम होने लगता है मुझे ना, पता नहीं क्यों मतलब गला जलने लगता है आजकल, तो इसके लिए ना थोड़ा कम ही सब्जी खा रही हूँ आजकल। तो अभी मैं अपना लंच कंप्लीट कर रही हूँ, लंच कंप्लीट करने के बाद मैं फटाफट से नहा लूँगी क्योंकि अभी भी बाबू सोया हुआ है, नहीं तो बाद में नहाने को भी नहीं मिलेगा। गुड इवनिंग गाइज, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो बहुत देर बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, अभी शाम का टाइम हो गया है, बिद्रु शनी को स्कूल से लाने का टाइम हो गया है, सचिन जाएगा लेकर आएगा, और अभी बाबू मेरा सो रहा है, काफ़ी देर से सोया हुआ है वो, तो उसको भी उठाते हैं, बीच बीच में उठ रहा था उसको फिट करा के फिर से सुला दे रहे थे, सो रहा है आराम से। और अभी मुझे लग रहा है ना उसका डायपर चेंज करना पड़ेगा, डायपर अभी पहना के सुलाते हैं ना, काफ़ी अच्छे से सोता है और बहुत देर तक सोता है। बीच में ना उसको रैसेस आ गया था जब वो मतलब हाँ हॉस्पिटल में था ना, तभी उसको रैसेस आ गया था पूरे शरीर में, तो इसके लिए डॉक्टर ने मना किया था डायपर वगैरह नहीं पहनाने के लिए, यहाँ तक कि कपड़े भी नहीं पहनाने के लिए बोला था। तो अभी उसको डायपर पहना रही हूँ, और पहनाने से पहले काफ़ी सारा ऑयल लगा देते हैं, कोकोनट ऑयल, ताकि उसको रैसेस ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए अभी रात में एक डायपर पहनाती हूँ और दिन में भी नहाने के बाद ना उसको पहना देती हूँ, काफ़ी कंफर्टेबल होकर सोता है अभी वो, अभी मस्ती से सो रहा है। उसको उठाते हैं, मुझे लग रहा है वो पोटी किया है, तो अभी चेक कर लेते हैं उसका डायपर और इतने सारे कपड़े अभी फोल्ड करना है। और आज ना बारिश हो रही है, मतलब काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी अभी थोड़ा देर पहले, अभी थोड़ा कम हुआ है बारिश, एकदम ठंडा मौसम है। गणपति पूजा स्टार्ट हुआ ना तब से ही बारिश हो रही है, और अभी तक बारिश गई रही है, बीच बीच में बारिश आई जाती है, कभी कभी इतना तेज़ बारिश होती है ना, बच्चा संभालना इतना मुश्किल काम होता है ना, सच में इतना आसान नहीं होता है, पूरा दिन बच्चे के पीछे लगना रहता है सारे काम धाम छोड़ के, थोड़ा भी देर हो गया ना तो बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है, और जब एक बार रोना स्टार्ट किया ना फिर चुप होता ही नहीं है जब तक उसको गोद में ना लो। तो अभी मैं ना उसका डायपर चेंज करूँगी क्योंकि मुझे लगा कि वो पोटी कर दिया है, और सच में उसने गंदा कर लिया था एकदम से, तो उसका ना मैंने डायपर चेंज कर दिया। और डायपर चेंज करने के बाद भी मैं ऑयल लगाती हूँ अच्छे से पोंछ के, और डायपर पहनाने से पहले भी मैं अच्छे से ऑयल लगा के फिर पहनाती हूँ ताकि उसको रैसेस ना आए। और फिर से मैंने कपड़े उसको लपेट दिया, फिर मम्मी को दे दिया, और उसको ना कपड़े में बांध के रखती हूँ ना, तो वो इतना हाथ पैर चलाता है ना कि वो कपड़ा कितना भी टाइट बांधो लेकिन वो कपड़ा लूज हो जाता है, अपना हाथ निकाल लेता है वो बाहर। तो अभी ना मैं बेल्ट पहन रही हूँ, अभी कपड़े फोल्ड करना है तो मम्मी फोल्ड कर देगी, और बेल्ट पहन के रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैक सपोर्ट
सपोर्ट मिलता है और मैं एकदम टाइट करके पहनती हूँ ताकि पेट भी दबा रहे अंदर जाए। और अभी पेट तो काफ़ी कम हो गया है लेकिन हाँ अभी भी बहुत पेट है, अगर देखा जाए तो 4-5 महीने का बेबी जैसा पेट अभी दिख रहा है, तो उसको भी अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी शाम का मालिश हो गया और अभी सचिन को भेजे हैं मार्केट, यानी हस्बैंड मेरे आने वाले हैं और बारिश इतनी तेज़ हो रही है ना कि वो उधर ही रुके हुए हैं और जहाँ पे हस्बैंड रुके हुए हैं वहाँ भेजा है उसको, और अभी छतरी लेके गया है तो दोनों साथ में चले आएंगे। तो अभी बाबू का मालिश होगा, शाम का टाइम पे होता है और सुबह भी होता है। वैसे तो 3 टाइम मालिश करना चाहिए लेकिन दोपहर में सोया रहता है इसके लिए मालिश नहीं हो पाता है, और मम्मी को मैंने रोक लिया है, मम्मी का टिकट कैंसिल करा दिया है। तो मम्मी ना अभी रुकेगी यहाँ पे थोड़े दिन तक और नवरात्रि से पहले लेकिन चली जाएगी। तब से परेशान नहीं कर रहा था, अभी परेशान कर रहा है आप लोगों के लिए ना, सब चीजें निकाले कि दिखाऊंगी कि मेरा भाई मेरे बाबू का मामा क्या क्या लेके आया है बाबू के लिए, है ना। तो ये परेशान कर रहा है, परेशान कर रहा है, इसको रहना ही नहीं है बिस्तर पे। तो बाबू इतना ज़्यादा परेशान करने लगा ना कि मैं आप लोगों को दिखाई नहीं पाई कि मेरा भाई क्या क्या लेकर आया है बाबू के लिए मेरे लिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। और इसके आगे ना मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, अभी हस्बैंड भी आ गए हैं मार्केट से और अभी डिनर की तैयारी करेंगे फटाफट से। तो मम्मी तो लग गई है डिनर की तैयारी में और मैं बाबू को संभाल रही हूँ, इसको भी तो देखना ज़रूरी है, कोई इसको पकड़ता है तभी कोई खाना बना पाता है। तो अभी चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और कोशिश करूँगी मैं डेली ब्लॉग डालने की, क्योंकि अभी ना वीडियो बहुत जा रहा है। तो आज का ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। मैं मिलती हूं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।